काश्मीर जो खुद सूरज, थोड़ा जुड़ना पड़ेगा साहब, काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी। देखिए बच्चों तक हो सकता है मेरी बात ना पहुंचे, इन बड़ों तक जरूर पहुंचेगी, मैं उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, बड़ों के सामने प्रणाम करके पढ़ता हूं। अंधी गहरी खाई में फूलों की घाटी रोती थी, अंधी गहरी खाई में ये अग्नि गंधा मौसम का बेला था, ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, बचपन से नारे लोग कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा तो क्यों चिल्ला रहे हो? एक बाप के चार बेटे होते हैं तो नारा लगाते, सुने कभी आपने कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, नारा लगा रहे तो समझ लो नहीं है। और इस देश में बेईमान नारों की भरमार है, जानते हो एक बेईमान नारा क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे में इतनी बड़ी बेईमानी छिपी है, अगर मैं आज आपको बता दूं तो आज के बाद ये नारा नहीं लगाओगे आप कभी। सुनो इसमें कहां बेईमानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपस में हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, आपस में एक दूसरे के कहा। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, जब जब हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छूकर देखा हिम चोटी में अंगारा था, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशिफल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहां विदेशी समीकरण गहराते थे, गैरों के झंडे भारत की भूमि पर लहराते थे, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, काश्मीर। और मैं कितने गुस्से में बोला हूं आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं कितने क्रोध में बोलता था, और जो सरकारें थी पिछले 30 सालों की सब सुनती थी और चुप लगा जाती थी, तब मैं बोलता था। काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, इससे ज्यादा सख्त भाषा कभी बोली नहीं सकता। अगर आपको लगे मैं कितने हौसले से बोलता था तो आपका प्यार मांगता हूँ। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों का आंगन लाशों की, फूलों का आंगन लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती थाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर,
भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे विस्थापित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे। फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के, एक नाम आएगा मेरी हर कविता में आता है, उस व्यक्ति का नाम सुनकर मैं राजनीति का एक ही पुरोधा मानता हूं इस देश में। दूसरे हो जाए तो सलाम, होने की ओर है, हो जाए तो सलाम, लेकिन एक है, उनका नाम सुनकर आपके दिल में प्यार के सम्मान की एक भी हिलोर उठे, तो तालियों की ऐसी हिलोर उठाना जो जीवन भर मेरे मस्तिष्क में लगे कि मैंने कभी तालियां बजती हुई देखी थी। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की। कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, आंगन घाटी हो गई खूनी खेलों की। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। क्या नजारा है ये जीवन भर उनका देखी दादा शेखावाटी किया, अद्भुत ये बड़े भक्तिजीवी लोगों की गड़गड़ाहट। एक कुर्सी और दे दीजिए, अद्भुत। आदरणीय सोंडा जी, आज तो मुझे आप जी भर के सुना लें दो, क्योंकि मैंने शायद जीवन में इतना अच्छा अनुभव कभी जिया नहीं करता सुना। तो बहुत कुर्सी भूखी थी नोटों के, सल्यूट करता हूँ आपका, अभिवादन करता हूँ। दादा एक विनम्र निवेदन और करूँ, ये उम्र में छोटे हो सकते हैं पर बुद्धिजीवी इतने हैं, एक एक शब्द आपका समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो तो एक बार आकाश पर तालियों से होने बता। एक विशेष छंद सुनो, मैं दो दिन पहले बंगलोर था तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बहुत जोश, कोई व्यवस्था बनाने के लिए नहीं जाएगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मैं इन बच्चों पर गुरूर करता हूं, घमंड करता हूं, जिनको आपके अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। हरिओम पवार के कविता पढ़ते समय अगर सुनने वालों के लिए अनुशासन बनाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी तो मेरा कविता सुनाने का वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद कभी सम्मेलन नहीं पढ़ूंगा। कोई व्यवस्था मत, सब सुनने के लिए बैठे, आदरणीय आप भी बैठ प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। पत्रकार भाइयों से, कैमरामैनों से सबसे माफी मांगता हूँ, उनको असुविधा हो रही होगी, लेकिन मेरा अनुरोध है पीछे से आपको एक को भी अगर मैं नहीं देखता आपके कारण, तो उसका जो उसके मन का जो क्रोध है वो उसका पाप मुझे लगेगा। सुनिए, बंगलोर में था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बहुत जोश में छंद पढ़ूंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि मैंने ज्यादा जोश में पढ़ा या आपने ज्यादा जोश में सुना। फिर मेरे मुंह से यह भी निकल गया कि मैं आज हार के जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितने जोश में मैं पढ़ूं उससे ज्यादा जोश में आप सुने। आज यही अनुरोध मैं यहाँ प्रिंस एजुकेशन हब में कर रहा हूं, मैं जितने जोश में पढ़ूं उससे ज्यादा जोश में आप पढ़ना, मैं चाहता हूं मैं यहां से हार के जाऊं, और महेंद्र धनवाजी इसी में मेरी जीत है कि आप जोश में इतना सुने कि मेरी हार हो जाए। सुनिए, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल। आगे लाइन है, आगे आगे आगे, देखना चाहता हूँ मुझे हराना जोश में, मैं हार के जाना चाहता हूँ। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है, घाटी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, ये भावनाएं हैं उनकी। हमारे बीच तमाम चैनलों से भी हैं
सीपी भास्कर भाई इनकी तालियों पर भी कैमरा घुमाए, स्वागत। तालियों पर ही ले जाओ बस। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। अंतिम छंद सुनिए इसका तक, अंतिम छंद। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, वाह। अंतिम छंद सुनिएगा, बहुत कितनी प्रशंसा करूं सचमुच, अगर मेरे पास जीवन का कोई, मैंने जीवन में कभी भी गलती से भी मुझसे कोई पुण्य हो गया हो तो मैं उस पुण्य के बदले इस प्रिंस एजुकेशन हब को सौंपता हूं उस पुण्य के सारे फल, क्योंकि आप अपने बच्चों को। और हरीश भाई आपका भी आजीवन आभारी रहूंगा, मैं गुरु कृपा में आया था 8-9 साल बाद पहले जी, उसके बाद 8-9 साल बाद बुलाया, तब जो ये अवसर हमें रामोतार जी डूडी ने दिया था ना, वो भी बैठे उनका बहुत बहुत आभार, जिनका भी जिन्होंने भी अवसर दिया। लेकिन इस सीकर की एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे चला गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधरने में 9 साल लगे।